तो कुछ इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं आपके पास. देन द फॉलोइंग नंबर वन, ए इज इनवर्टेबल. नहीं करना यार, तो बस कैसी बातें करते रहते हो? क्या तू दरवाजा क्यों नहीं बंद तो करता? बंद करना. ओ भाई माइक ऑफ कर दो यार. अच्छा, ए इज इनवर्टेबल, ठीक है, ये भी एक इक्विवेलेंट है. और अगर इक्विवेलेंट इनवर्टेबल है तो दूसरी कंडीशन सी नॉन जीरो है. नंबर थर्ड इसकी क्या है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी. ये कौन सी सिस्टम आपके पे है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम. तो इस केस में आपके पास क्या आएगा? यूनिक सोल्यूशन आएगा आपके पास अगर मैट्रिक्स इनवर्टेबल है. नंबर फोर, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये होमोजीनियस इक्वेशन है. इस केस में क्या आएगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन का पता है ना आपको, इसमें जीरो 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 सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है. और पांचवे पे क्या आ जाएगा आपके पास? ए इज रो इक्विवेलेंट टू आई एन. मतलब इसको अगर आप एच एन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ए मैट्रिक्स जो आपके पास लिखी हुई है, सॉरी रिड्यूस एच एन फॉर्म, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री. इसको आप रिड्यूस्ड एच एन फॉर्म इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बननी चाहिए आपके पास? ये बन जाइए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाए. तो ये इक्विवेलेंट टू, ये आई थ्री है, ए थ्री है, तो ये आई थ्री में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. ठीक है बच्चों, अच्छा आगे चलते हैं हम इसमें. मैं अगर एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. कौन से सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका यूनिक सॉल्यूशन आता है, जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो. ये सारी कंडीशन आपस में लिंक करते हैं जो मैंने पीछे आपको लिख पाई है, ठीक है. अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो इनवर्टेबल भी होगी, उसका यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा, ठीक है. और उससे जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है एच एन फॉर्म में कन्वर्ट करने से. तो एग्जांपल ये लिखी हुई है आपके पास, जैसे पहले नंबर पे जो लिखी हुई है, टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वन, 3x-2y + z इज इक्वल टू 4, 3x+2y - z इज इक्वल टू -4. और नंबर टू पे लिखा हुआ है आपके पास, 2y - z इज इक्वल टू -1, 3x-2y + z इज इक्वल टू 4, और 3x+2y + z.
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल नंबर फर्स्ट केस में सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स जो आप इसकी बनेगी, 0, 2, -1, 3, -2, 1, 3, 2, -1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें, ये क्या आएगा, 0। तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, और नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन, ये केस बनेगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 है, उसको भी आप चेक कर लें, ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा उसमें क्या। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज है इसमें, होमवर्क जो उनसे आपका, वो है एक्सरसाइज 2.1, ये आपको मिल भी जाएगी लेक्चर नोट्स। कुछ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स करने से पहले हम डिफरेंट वेज टू फाइंड इनवर्स कर लेते। नंबर वन, इसमें जो मेथड है इनवर्स का, ठीक है, तो वो तो बड़ा आसान से है, ए इन ए अगर आपके पास गिवन हो, ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे ए इनवर्स, आपने एक मेथड पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, याद है या नहीं, और एडजॉइंट क्या होता था, आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे, माइनस कैलकुलेट करते थे, ठीक है, आप क्या कैलकुलेट करते थे, माइनस सॉरी कोफैक्टर्स, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज ले लेते, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, आपको पता ही ये नॉन जीरो होना चाहिए। और दूसरा जो प्रोसीजर है, दूसरा जो ये तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, एफएससी आपने किया हुआ, ठीक है, तो इसको चलो मैं रिवाइज भी करा दूंगा। दूसरा जो प्रोसीजर है, आपने क्या करना है, ए इनवर्स कैसे निकालना है, आपने एक साइड पे ए मैट्रिक्स लिखनी है सारी की सारी, ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर लगाना है रेड्यूस्ड, लगाना नहीं है इसको, रेड्यूस्ड एचलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर, मतलब ये जब इसको रेड्यूसेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारी क्या बननी चाहिए, वन के नीचे जीरोस, फिर इस वन के ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, फिर इस ये वन और इसके ऊपर सारे जीरोस बननी चाहिए, ठीक है, और जो जो ऑपरेशन आप इसके ऊपर लगाएंगे वही ऑपरेशन साथ साथ इसके ऊपर भी, मतलब ये पूरी एक रो बन जाएगी, ठीक है, इससे बनने वाली जो भी मैट्रिक्स है, चलें इसको मैं α11, α12, α21, α22, α23, α31, α32, α33 का नाम है, ठीक है, तो ये आपके पास A इनवर्स बन गया ये, और ये दोबारा क्या बन जाएगी, केवल ये, ठीक है, ये जो पूरी मैट्रिक्स बन गई है, This is your A inverse. तो जो ऑपरेशन इसके ऊपर लगाएंगे वही इसके ऊपर भी लगाना है एंड पे जाके, ये अगर आइडेंटिटी बनती है तो ये वाली A inverse बन जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड भी हो, इस मेथड से आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है A इज इक्वल टू
माइनस वन थ्री टू जीरो माइनस टू वन वन जीरो माइनस टू, ठीक है। सबसे पहले इसका आपने क्या कैलकुलेट करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है सोल्यूशन। सबसे पहले इसके को फैक्टर्स निकाले, ठीक है। को फैक्टर क्या बन जाएगा, सी वन वन, सी वन वन की वैल्यू क्या बनती है, आपने कैलकुलेट किया हुआ है, फोर बन जाएगी। सी वन टू ये आपके पास बन जाएगा वन, सी वन थ्री आपके पास बन जाएगा टू, सी टू वन ये आपके पास बन जाएगा सिक्स, सी टू टू ये आपके पास बन जाता है जीरो, और सी वन थ्री ये क्या बन जाएगा आपके पास थ्री, सी थ्री वन ये आपके पास बनेगा सेवन, सी थ्री टू ये आपके पास क्या बन जाएगा वन, और सी थ्री थ्री ये आपके पास बन जाएगा टू। अब आपने अगर ए इनवर्स कैलकुलेट करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट इसका, ए डिटरमिनेंट इसका आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलें वो भी हम कर लेते हैं, ये चीज हमने बनानी थी। तो ए डिटरमिनेंट इसका क्या बनेगा, देखें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो के साथ किसी के साथ एक्सपेंडिंग बाय रो टू कर लेते हैं, ठीक है। तो रो टू में करेंगे तो पहला जीरो, दूसरा आपके पास माइनस टू इंटू सी टू टू वो भी जीरो, प्लस थर्ड में वन मल्टीप्लाई बाय सी वन थ्री। तो इस सारे का आंसर क्या आता है, इस सारे का आंसर थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनता है, सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री का ट्रांसपोज, ठीक है, डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो सी वन वन का ट्रांसपोज लें, तो इन सब का जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, फोर वन टू सिक्स जीरो थ्री सेवन वन टू डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं किस से, रिड्यूस एच एन वाले मेथड से भी ट्राई, क्या उससे भी ये आंसर आता है या नहीं। देखें ए मैट्रिक्स क्या थी, वो तो नहीं थे सारे, ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, माइनस वन थ्री टू जीरो माइनस टू वन वन जीरो माइनस, हम इसको रिड्यूसेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पिछले फॉर्म से बता दे कि एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट का बता दे सर, पिछले वाले में ये वाला, यस सर, इसमें ये कोफैक्टर्स आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, 4 1 2 6 0 3 7 1 2 ये उठा के मैट्रिक्स में पुट करना है और उसका ट्रांसपोज ले, ये वैल्यू क्या है 1 फोर वन टू, फोर वन टू ठीक है, सिक्स जीरो थ्री, सिक्स जीरो थ्री सेवन वन टू, उसका ट्रांसपोज लो तो रो, जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर वन टू रो थी ना, तो ये फोर वन टू कॉलम बन जाएगा, सिक्स जीरो टू सेकेंड रो थी तो सिक्स जीरो थ्री सेकेंड कॉलम बन जाएगा, सेवन वन टू लास्ट रो थी तो सेवन वन टू ये लास्ट कॉलम, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट कितना था थ्री था, तो ए डिटरमिनेंट का के साथ इसको डिवाइड कर दिया पूरी मैट्रिक्स, ठीक या नहीं। ओके सर, अब हम इसको हाँ, तो यहाँ पे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, कौन सा मेथड है आपके पास, ए थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स, तो ये आई थ्री, हमने इसको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कर, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा था, उस मेथड के थ्रू इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो ये देखें, ये लीडिंग एलिमेंट क्या आना चाहिए, ये वन आना चाहिए, ठीक है, और बाकी ठीक है, सही है, ये वन आना, तो माइनस वन के साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है,
माइनस टाइम ऑफ रो वन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो जीरो, बाकी ठीक है, जीरो माइनस टू वन जीरो वन जीरो वन जीरो माइनस टू जीरो जीरो वन, इस पूरी रो को आपने माइनस करना है, ठीक है। दूसरे में क्या करना है, इसको जीरो बना, तो रो थ्री में से रो टू को रो वन को सब्ट्रैक्ट करवा, तो वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस माइनस वन वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन, ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है कि इसको वन बना, तो अगर इन दोनों को ऐड करवा दें, रो टू में रो थ्री को ऐड करवा दें, क्या आ जाएगा आपके पास, वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन, ये वन, ये जीरो, नहीं ये वन बन गया, ठीक है, ये भी वन, ये भी जीरो, ये जीरो थ्री जीरो वन जीरो। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहे हो सर, यहाँ ये जो सर वन के नीचे सर यहाँ दोबारा माइनस वन ही आना चाहिए था सर, जब ये आर वन किया था सर, ये वाला आर थ्री, नहीं नहीं सर, आर थ्री माइनस आर वन जब किया सर, आर थ्री माइनस आर वन, रो थ्री में से रो वन को माइनस किया, वन माइनस वन जीरो हो गया, जीरो माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस टू, ठीक है नहीं। अब ये तो वन बन गया, इसके ऊपर भी जीरो बनाने और नीचे भी, तो ऊपर जीरो बनाने के लिए रो वन में थ्री टाइम ऑफ रो टू करते हैं, और रो थ्री से थ्री टाइम ऑफ रो टू कर सकते, इस रो को थ्री के साथ मल्टीप्लाई, इस रो को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करवा लो, इस रो को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करवा, तो वन जीरो इसमें ऐड करवाना ना, वन थ्री के साथ मल्टीप्लाई कराए इसमें ऐड, टू थ्री के साथ मल्टीप्लाई कराए इसमें ऐड, ठीक है, ये तो एज इट इज अपनी जगह पे, थ्री के साथ मल्टीप्लाई कराएं इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएं, थ्री के साथ मल्टीप्लाई कराएं इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएं, थ्री के साथ मल्टीप्लाई करवा के इससे सब्ट्रैक्ट करवाएं, साथ मल्टीप्लाई कराएं इससे सब्ट्रैक्ट करवाएं, माइनस टू थ्री के साथ मल्टीप्लाई करा के इससे सब्ट्रैक्ट करवाएं, ये तो ठीक होगी यहाँ तक बात। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वन होना चाहिए था, तो माइनस थ्री के साथ इसको डिवाइड करवा दे रहे हो, ऊपर क्या रह गया, वन जीरो वन, वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ये वन आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या, टू थ्री जीरो वन वन जीरो, इसको थ्री के साथ डिवाइड करा है लास्ट रो को, ये टू बाई थ्री, ये थ्री बाई थ्री, और ये वाली, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अब क्या करें कि ये वन तो बन गया, इसके ऊपर वाले सारे जीरो बनाए, तो रो टू में से रो थ्री करवा दें और रो वन में से रो थ्री करवा दें, ठीक है, तो वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो वन माइनस वन, टू माइनस टू बाई थ्री, कौन बताएगा क्या बनेगा, टू माइनस टू बाई थ्री, सिक्स माइनस ये बनेगा फोर बाई थ्री, थ्री माइनस नाइन बाई थ्री, नहीं थ्री माइनस थ्री नाइन, हाँ थ्री माइनस थ्री बाई थ्री,
ये बन जाएगा आपके पास 6/3, ठीक है। ये आपके पास जीरो बच रहा है, सारा जीरो तो नहीं होता वैसे, यहाँ पे नंबर वो बना है, यहाँ पे ये वन था रो टू में, यहाँ पे ये वन था जीरो, रो थ्री में से रो वन, रो थ्री में से रो वन माइनस किया वन, रो टू में रो थ्री को ऐड कर दिया, ये भी वन में। रो टू में रो थ्री को ऐड किया वन बन गया, रो वन में थ्री टाइम ऑफ रो वन कर दिया, रो वन में थ्री टाइम ऑफ रो टू कर दिया, रो थ्री में से थ्री टाइम ये। अब ठीक है, थ्री वन टू थ्री वन टू बाई थ्री, अब सही है। अच्छा, 3 - 2/3, 9 - 2 = 7/3, फिर रूट में से हाँ 0 1 0, रो वन में से रो थ्री को माइनस किया वन - 3 बच जाएगा, वन माइनस टू थ्री, तो ये 1/3, ये 2/3, 3/3, 2/3। अब ये सारी जो चीज बनी है, ये सारा स्ट्रक्चर, ये ए इनवर्स बन गया, ए इनवर्स, इसमें से थ्री कॉमन आ रहा है 1/3, तो ए इनवर्स क्या रह जाएगा 4 1 2 6 0 3 7 1 2, और पहले जो हमने निकाला था वो भी देखते हैं, वही आ रहा है, ये देख लें 4 1 2 6 0 3 7 1 2 6 0 3 7 1 2, ठीक है, और 1/3। तो दोनों मेथड से ए डिटरमिनेंट क्या, सॉरी ए इनवर्स क्या है, सेम आया दोनों मेथड के साथ, ठीक है नहीं? तो यूं भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट इसमें एक है जो वो है क्रैमर रूल, क्रैमर रूल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक इसमें टॉपिक है लास्ट वाला क्रैमर रूल, वो हम कर लेते हैं। अगर ए आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री, एक्स वाई जी, बी वन, बी टू, बी थ्री। तो क्रैमर रूल क्या कहता है, आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। आज इसके पहले कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, बी वन, बी टू, बी थ्री आ जाएगा। सिमिलरली वाई में क्या होगा, ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, बी वन, बी टू, बी थ्री, ए टू थ्री, ए थ्री, ए नहीं, ए वन थ्री, ए टू थ्री, ए थ्री, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं ए वन डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट भी कहते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, ए टू डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, और लास्ट वाले को हम क्या नाम देंगे, ए थ्री डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ठीक है ना। और जेड वाला क्या होगा आपके पास, पता है ना, ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, ए वन टू, ए टू टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, ठीक है, डिवाइड बाय, सही है। तो अगर आपने
एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालनी किसी मैट्रिक्स से, तो बड़ी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सिस्टम लिखा हुआ है, ये 19 पेज है, सॉल्व बाय क्राइमर रूल, ठीक है, ए मैट्रिक्स बल्कि एक सिस्टम लिखा हुआ है, माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू वन, 2x plus z is equal to 0, 3x minus 4y plus 4z is equal to 2. तो आपने x, y और z कैलकुलेट कर, तो ए मैट्रिक्स क्या बन रही है, ये तो बहुत आसान है, माइनस 1, 2, 3, 2, 0, माइनस 4, माइनस 3, 1, 4. इसमें ए डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ये तो सेकंड रो के साथ इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या बन जाता है आपके पास, 2, ये बन जाता है 8 माइनस 12, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 2 बन जाएगा। ये सारा आंसर क्या बन जाता है इसका, ए का डिटरमिनेंट ये आ जाता है 10, ठीक है नहीं? हाँ जी, ठीक है ना, ये 10 बन जाए, 10 माइनस 10, 8, 3, 2, 6, और 10 ही बनता है सर, 2 बनेगा, 10 बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा सर, माइनस 2 4 हो जाएगा ना, माइनस 1, माइनस 1, 2, 3, 2, 0, 4, माइनस 4, माइनस 3, 1 और 4, 4 टू द 8 और 4 थ्री द 12 और फिर 8 माइनस 6 का सर, लास्ट वाला मेरे ख्याल में ये 1 आता है, ये वाला 1 है, तो ये वाला 1 बनता है, ठीक है ना, इस रो के साथ एक्सपेंड कर, ये 1 है तो अंदर क्या रह जाएगा, ये इसके साथ है, तो ये हाँ ये गलत किया हुआ ना हमने, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस प्लस 0 माइनस 1, ये 4 माइनस 2 प्लस 2, अब ठीक है, अब तो 10 बन जाएगा। अच्छा अब हमने कैलकुलेट करना है A1 डिटरमिनेंट, A1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 0 2 ये बी मैट्रिक्स है और बाकी एज इट इज लिख देंगे, 2 0 4 माइनस 3 1 4, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सेकंड रो के साथ, ये नेगेटिव 1 आएगा, 4 माइनस 4 ये सारा ही 0 बन जाएगा, आई गेस आई थिंक ये सारे का सारा 0 बन रहे हैं, माइनस 4 माइनस 4, ठीक है, 0 बन जाएगा, 8 बन जाएगा क्योंकि ये माइनस 4, ठीक है, ये 2 क्या बनेगा आपके पास, माइनस 1, 2, 3, माइनस 3, 4, सेकंड कॉलम की जगह 1, 0, 2, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा माइनस 15, और ए 3 का क्या डिटरमिनेंट बनता है आपके पास, माइनस 1, 2, 3, 2, 0, 4 और 1, 0, 2, ठीक है, इसको जब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे माइनस 16, तो x1 की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू a1 डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट, ये क्या बनता है आपके पास, 8 बाय 8 बाय 8 बाय 10 That is 4 by 5. Y की क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, ये बन जाएगा A2 determinant divided by A determinant. That is minus 3 by 2. ठीक है, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, और Z is equal to A3 determinant divided by
a डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू माइनस 8/5. ये तीनों वैल्यूज आपने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर. तो यहां तक कर लें. और इसके साथ जो आपका होमवर्क है, होमवर्क कौन सा है, वो आपके पास एक्सरसाइज 2.3 है. एक्सरसाइज 2.2 है, सही है. ये सारे के सारे फिर इसमें आगे इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, फिर ये खत्म हो जाएगा. ठीक है बच्चों, क्योंकि बाकी क्लासेस को भी मैंने इतना ही पढ़ा है. इसमें कोई चीज पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं. असाइनमेंट कब मिलेगी? असाइनमेंट चले मैं इंशाल्लाह ताला ये कर दे इसी वीक में, अगले वीक में मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना. ओके, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, यस सर. चलो ओके फिर, अल्लाह हाफिज़. रिकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ शेयर कर देना. ओके सर, अल्लाह हाफिज़.